ज्यादा विशाल सोने की गाय घर। एक गांव में राहुल नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी जिनसे दूध निकालकर वो गांव-गांव बेचता था और अपना घर चलाता था। दूध वाला आया, दूध ले लो, दूध वाला आया, दूध ले लो। अरे भाई, हमें भी दूध दे दो, सुना है तुम्हारे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। जी साहब, अब बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं बिल्कुल भी दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ। जैसा भी दूध मेरी गाय देती है, मैं वैसा ही दूध लोगों को देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने ईमानदार लोग अब इस जमाने में कहाँ मिलते हैं। लो साहब, दूध ले लो। धन्यवाद। राहुल दूध देने आगे चलता है, तभी उसे एक बूढ़ा मिलता है। बाबा, लगता है आप बहुत भूखे हो। हाँ बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लो बाबा, आप ये दूध पी लो। लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, धर्म कर्म भी दुनिया में जरूरी होता है बाबा। तेरे ख्याल बड़े नेक है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। राहुल शाम को अपने घर चला जाता है। आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? खुश तो होना ही है, आज एक बूढ़े बाबा ने मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। लोगों की भलाई करते करते तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं देते हो। लोगों की भलाई में ही तो खुद की भलाई छुपी होती है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ अच्छा चलता है, फिर एक दिन राहुल की एक गाय बीमार हो जाती है। हमारी गाय ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना ही इधर उधर घूम रही है, बस एक ही जगह लेटी हुई है। लगता है ये बीमार हो गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। राहुल डॉक्टर को बुलाता है। मुझे लगता है इसके पेट में कुछ कमी आई है, जिस वजह से ये ना तो खाना खा रही है और ना ही हिल पा रही है। मैं उसको दवाई दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन गाय ठीक नहीं होती और उसके शरीर पर अजीब से निशान बन जाते हैं, जो देखने में बड़े ही भद्दे लगते हैं। ये गाय तो कुरूप हो गई है, आप इसे बेच दीजिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है। नहीं निरूपा, इस गाय ने हमारे लिए हमेशा दूध दिया है और अब ये बीमार है, तो हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम देखते रहना, ये नुकसान करवा देगी। ये इतनी गंदी लगती है, कहीं इसकी वजह से बाकी लोग हमसे दूध लेना ना बंद कर दें। निरूपा, तुम शुभ शुभ बोला करो, भला गाय के कुरूप होने से क्या फर्क पड़ता है, दूध तो दूध होता है और लोगों को उससे क्या परेशानी होगी। तुम क्या जानो लोगों को, बात धीरे धीरे गाँव में फैल जाती है। अगले दिन, अब पता है भाई, राहुल की गाय कुरूप हो गई है और उसी का दूध हमें पिलाता है, इसीलिए हमें उससे दूध लेना नहीं चाहिए। फिर शाम को राहुल दूध बेचता है। अरे राहुल, सुना है तुम्हारी गाय बीमार है, वो कुरूप हो गई है, अब हम तुमसे दूध नहीं लेंगे, क्या पता उसका असर हम पर भी हो जाए। अरे नहीं भाई साहब, गाय के बीमार होने से दूध पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत सोचते हो। अब भाई देख, हमको नहीं चाहिए ऐसी गाय का दूध, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुमको दूध लेना है या नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, मुझे दूध नहीं लेना। राहुल जहाँ भी जाता सब दूध लेने से मना कर देते। अब राहुल के घर के हालात बहुत खराब होते जा रहे थे, उसके घर में रखी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो गाय की बीमारी पर लग गए थे, लेकिन गाय ठीक नहीं हुई। तब गांव वाले आते हैं। ए भाई, तू अपनी गाय को लेकर इस गांव से दूर चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बीमारी हमको भी लग जाए। ये आप लोग क्या कह रहे हो, मैंने हमेशा आप लोगों की मदद की है, कभी किसी को पैसे के लिए मजबूर भी नहीं किया, आपका जब मन हुआ आपने मेरा पैसा दिया, फिर मैं अब इस गाँव को छोड़कर क्यों जाऊँ। ए देख भाई, हमें कुछ नहीं सुनना, तू इस गांव से चला जा। तू इस गांव से चला जा बस। सभी गांव वाले यही बोलते हैं।
राहुल अपनी पत्नी निरूपा और अपनी सारी गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। राहुल दिन भर मेहनत करता है, गायों का ध्यान रखता है, लेकिन उसकी गाय अभी भी ठीक नहीं हो रही थी। आप एक काम कीजिए, अगर आपको बीमार गाय को अपने पास ही रखना है ना, तो रख लीजिए, लेकिन जो गाय सही है उनको बेच दो। कम से कम उनका पालन तो सही से हो जाएगा, वो जिसके घर जाएंगी वो उनका ध्यान तो रखेंगे। मैं अपनी गाय किसी को नहीं बेचूंगा। एक काम करता हूँ, जरूरतमंद को ये गाय दे देता हूँ। राहुल गांव में अपनी गाय बांट देता है, सब उसकी अच्छी गाय को रख लेते हैं। राहुल अपनी बीमार गाय की रोज सेवा करता है, उसको दवाई लगाता है, लेकिन गाय बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो दिन प्रतिदिन और भद्दी होती जाती है, जिससे तंग आकर निरूपा बोलती है, अब तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम रहो इस जंगल में अपनी इस बीमार गाय के साथ। राहुल निरूपा को बहुत समझाता है, सुख दुख जीवन का एक सार है, तुम सुख में भी मेरे साथ थी तो तुमको दुख में भी मेरे साथ होना चाहिए। देखो जी, ये सब कहने की बातें हैं, जहाँ धन नहीं होता वहाँ रहना सही नहीं है, और मैं बिल्कुल भूखी नहीं रह सकती। आपके साथ रहकर तो अब एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता मुझे, मैं जा रही हूँ। निरूपा चली जाती है। हे भगवान, कैसी दुनिया है, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। अब इसमें इस गाय की क्या गलती है जो ये इतनी बीमार हो गई है, तुम सही हो जाओगी एक दिन। राहुल दिन भर इधर उधर गाय के लिए दवाई ढूंढता और जो थोड़ी बहुत उसकी मजदूरी बनती वो गाय को ठीक करने में लगा देता था और कुछ पैसे इकट्ठा करता था और उसकी दवाई ले आता था। राहुल के पास खुद के खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, वो अपनी गाय के पास ही सो जाता था। एक दिन वो देखता है कि गाय सर्दी से कांप रही थी। राहुल के पास एक ही रजाई थी। अरे, मेरी गाय को सर्दी लग रही है और ये कांप भी रही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो मैं इसे अपनी रजाई उड़ा देता हूँ, इससे इसकी सर्दी कम हो जाएगी। गाय ये सब देख रही थी कि कैसे राहुल उसे अपनी रजाई दे रहा है और खुद सारी रात सर्दी में बिता देता है। तुझे तेरे अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, हे भगवान इस गरीब की मदद करो। तभी बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है और राहुल सर्दी से ठिठुरने लगता है। ये देखकर गाय भी राहुल के पास आती है और बैठ जाती है। राहुल आधी रजाई गाय को उड़ा देता है और आधी खुद ओढ़ लेता है। राहुल का ये प्रेम देखकर गाय खुश हो जाती है और भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हो जाती है। वो अपने पैरों से उठकर चलने लगती है। अरे वाह, तुम तो ठीक हो गई, देखो देखो सब मेरी गाय को देखो, ये ठीक हो गई है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गाय को देखता ही रह जाता है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो राहुल, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी की गाय थी, मुझ में कुछ भी कर लेने की शक्ति नहीं थी, और एक दिन जादूगरनी ने मुझसे बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर जादूगरनी चली गई। फिर मैं बच्चे की देखभाल करने लगी, तभी बाहर बाकी गायों के रंभाने की आवाज आई। मैं उनको देखने के लिए बाहर चली गई और मैंने देखा कि उनके बीच एक भयानक सांप था जिनसे डरकर वो गाय रंभा रही थी। मैंने उस सांप को उसी समय मार दिया, लेकिन जब तक अंदर आई तो वो जादूगरनी का बेटा उसके हवन कुंड में गिर गया और वो आधा जल गया था। फिर जादूगरनी आती है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे मेरा बच्चा कुरूप होकर मर गया है तू भी कुरूप होकर मर जाएगी। ऐसा ना करे, मैं बाकी गाय को बचाने बाहर गई और जब तक अंदर आई वो कुंड में जा गिरा, मुझ पर दया करो। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन ये वरदान देती हूँ, यदि तेरे उस समय में कोई तेरी सच्चे मन से मदद करेगा तो तू बच जाएगी और तुझे अपने प्राश्चित के लिए उसे अपने अंदर रहने की जगह देनी होगी। अब तू चली जा मेरे घर से। और फिर मैं तुम्हारे घर आ गई। राहुल, तुमने जो मेरे लिए किया उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। गाय थोड़ी दूर जाकर अपना आकार बड़ा विशाल कर लेती है
और एक घर के रूप में बदल जाती है और राहुल देखता है, अरे ये घर कोई मामूली घर नहीं है, ये तो एक विशाल सोने का घर है, गाय के रूप में बना सोने का घर। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। राहुल उसके अंदर जाता है। वाह, इसमें तो सारा सामान है और ये धन से भरा हुआ भी है। अब राहुल के पास कोई कमी नहीं थी। राहुल की विशाल सोने की गाय के घर की बात आग की तरह गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से राहुल के घर को देखने आने लगे और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी वापस आ गई। तब राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, उनकी भलाई में ही हमारी भलाई छिपी होती है।